बिहार बंद आरएसी एनआरसी बिल के लेकर क्या कहेंगे आप? एनआरसी बिल पर कल पूरे बिहार बंद है, बंद का है, पूरा देश में हलचल चल रहा है खिलाफ में। जो कानून अपना मन से लोग काला कानून लाया है, तो इसके ऊपर पूरा हम लोग के दल, पूरा गठबंधन, महागठबंधन चाहे जो भी है, सब लोग एनडीए छोड़ के सब लोग बंदी में लगा हुआ है। और कल पूरा बिहार बंद रहेगा और शांतिपूर्ण बिहार बंद रहेगा, और खासकर भोजपुर जिला पूरा सील रहेगा, अपना मन से स्वतः बंद रहेगा। कहीं भी लड़ाई झगड़ा, कोई बात विवाद, और जो हॉस्पिटल की गाड़ियां जो जाती है, एम्बुलेंस और दवा दुकान, ये सब पर कोई रोक नहीं है। ये सब विद्यालय भी अपना मन से बंद रहेगा तो बंद रहेगा, नहीं तो हम लोग कोई रोक छेक विद्यालय पर नहीं करेंगे। सर, आरा शहर के रिहायशी इलाकों में 144 लगा, ऐसे में जो 144 लगे चाहे 145 लगे, हम लोग अपना रोड से घूमेंगे, हम लोग जुलूस निकालेंगे स्टेशन से, और रोडे गोपाली चौक होते हुए ऐसे पकड़ी चौक होते हुए हम लोग शांतिपूर्ण हम लोग खुदे रहेंगे, सब एमएलए लोग रहेंगे, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता राजद का और भी जो दल है हम लोग के साथ सब लोग रहेगा। अमित शाह का कहना है कि एनआरसी बिल देश के लिए हितकारी है। अमित शाह अपना मन से न भाई कानून बनाए हैं, उनके काला कानून को कौन स्वीकार करेगा कि यहाँ हिंदू का देश है, हिंदू रहेगा और मुसलमान कोई आना चाहेगा रहना चाहेगा तो नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। जो भी आए वो रहे, कानून का मतलब ये ना होता है कि हिंदू रहेगा मुसलमान नहीं रहेगा। मुसलमानों के लिए बहुत देश है और हिंदुओं के लिए देश नहीं है, मान लीजिए। तो देखे जैसे अमित शाह जी बोल रहे थे, हम भी सुने हैं, लेकिन अगर आ जाए इंडिया में तो उनको रहने का क्यों अधिकार नहीं है? पहले से कम 20 करोड़ जनसंख्या है ना मुसलमानों का, और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लोग चाह रहा है इंडिया को, अच्छा मान के ना आ रहा है रहने के लिए, खराब मानता तो आता ही नहीं, तो आता है तो रहने देने में क्या हर्ज है भाई? सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि कल का बिहार बंद असफल रहेगा। कल का बिहार बंद जैसा आज तक हुआ है उस सबसे कल अच्छा बिहार बंद रहेगा, जो हमारा मानना है, क्योंकि दुकानदार लोग जितने हैं पूरा इधर से उधर ले, और प्रचार भी आज हो रहा है, और शाम को मशाल जुलूस भी निकलेगा, और पूरा क्या सर, टेरिस में भी रोका जाएगा कल के लिए क्या? ट्रेन नहीं, ट्रेन रोका जाएगा, लेकिन तोड़ फोड़ ये सब नहीं, शांतिपूर्ण अपना रोकेगा लोग ट्रेन, इधर जुलूस भी निकलेगा और शांतिपूर्ण जो भी रहेगा शांतिपूर्ण रहेगा। ठीक, चलो, थैंक यू।